दारे खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद, दारे खत्म नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं जी TLP के कैंप पे, तीन तलवार के पास। और अभी हम यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अमीर हैं अल्लामा साहब, इनसे भी बात करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो है वो बड़ी तादाद में जो है TLP लोगों की मदद में मसरूफ़ है, और सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में जो सैलाब की तबाहकारी हैं वहाँ पर TLP अपना किरदार अदा कर रही है। ग्राउंड पर ये लोग मौजूद हैं, और जो भी सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए जो भी सामान है जिसमें खुश्क खाने जो हैं वो आप इनको दे सकते हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ आपका तमाम दिया हुआ सामान जो है वो मुस्तहकीन को बआसानी तरीके से पहुँचाया जाएगा। जी अब भी हम मौजूद हैं जी TLP के कैंप पे, और हमारे साथ ज़िला साउथ के अमीर अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी साहब मौजूद हैं। तो इस कैंप के बारे में इनसे चंद बातें करेंगे। तो अल्लामा साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो कैंप है इसका सामान जो है ये किस अज़ला में आप यहाँ से लेके जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफ़सीर अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सोच और फ़िक्र है, और क़िबला साद हुसैन रज़वी साहब का हुक्म है कि हमारे PS 110 में ज़िला जनूबी में ये तीन तलवार पर कैंप मौजूद है, और ये हम उन मुतासरीन के लिए, उन बेसहारा और उन गुरबा उन मसाकीन के लिए कि जो इस वक्त शिद्दत से कराची वालों की इमदाद के मुंतज़िर हैं, हम उनके लिए जमा कर रहे हैं। और पूरे कराची में हमारे कैंप मौजूद हैं, हम पूरे सिंध में बिला इम्तियाज़ पूरे सिंध में जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है इंशाल्लाह हर एरिया में जाकर हम इसको तकसीम करेंगे। तो ये जो नुकसान हुआ है इसका कुछ अंदाज़न आप बता सकते हैं कि किस तरीके से एरियाज जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, ताकि लोगों को उसका पता चले, और इसकी संगीनी जो है उस पर कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, मैं चूँकि सिंध में सफ़र करता रहता हूँ, खिताबात के हवाले से भी मीरपुर ख़ास में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसके अलावा जोई है, दादू है, सेवन के कुछ एरियाज हैं, और उसके अलावा नवाबशाह है, आगे के एरियाज हैं, यहाँ काफ़ी जो है ना नुकसान हुआ है, और यहाँ तक के बंदों के घर गिर गए, लोगों के घर गिर गए, उनकी जो है ना फसलें तो तबाह हो ही गई, तकरीबन 80% फसलें जो है ना वो तबाह हो गई हैं, घर गिर गए हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर, क्योंकि एक घर है अगर दो तीन मकान हैं चारों तरफ पानी मौजूद है, लोग नकल मकानी करके बुलंद जगह पर रोडों के साथ आ गए हैं, इस वक्त बेसहारा हैं। मैं BCO ऐसे लोग हैं जिनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। एक तो बात यह होती है कि ये पैगाम आता है या निज़ाम, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, क्योंकि हमारा इदारे से वाबस्तगी भी है, मेरे पास सिंध के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अपने घर गिरे, तो इस तरीके से मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वहाँ पर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए, उनकी छतें गिर गई, दीवारें गिर गई, और इस वक्त वो शिद्दत से हमारी आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अल्लामा साहब, आप ये बात आप जानते हैं कि कराची वाले तो हर वक्त जो है वो लोगों की मदद के लिए खड़े हुए होते हैं, जैसे 2005 का जलजला आपको याद हो, लेकिन इटसेल्फ अगर कराची की बात की जाए तो अभी जो बारिशों से जो यहाँ पे तबाही हुई है उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, और जो सिंध गवर्नमेंट है उसके हवाले से कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि आप आम लोग अपनी सतह पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी, गवर्नमेंट जो होती है ना उसकी हैसियत माँ बाप की होती है, गवर्नमेंट की हैसियत माँ बाप की, और माँ बाप अपनी औलाद को तकलीफ़ में नहीं दे सकते, लेकिन मुझे हैरत होती है कि हमारी गवर्नमेंट, उनको कोई परवाह नहीं है। इस वक्त सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं, कोई किधर जलसा कर रहा है, कोई किधर जलसा कर रहा है, लेकिन सलाम व कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को कि जो कि जलसा कोई मामला नहीं, वो मौजूद हैं इस वक्त शुमाली पंजाब में, पंजाब के एरियाज़ में, डेरा में, दीगर मकामात पर ख़ुद मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, और उन्होंने वहाँ पर जानवरों तक के लिए चारे का एहतमाम किया है,
आदमियों की खुराक, उनके लिए बाकायदा खाने और कैंप, अद्वियात कैंप, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तहरीक लब्बैक सिर्फ कराची का खासा नहीं है कि सिर्फ कराची सतह पे वो हेल्प करते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक हेल्प कर रही है। अभी बलूचिस्तान का मामला था, उसमें आपने देखा होगा कि और शायद कोई वेलफेयर मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन वहाँ पर पहुँची है तो तहरीक लब्बैक पहुँची है, और मैं ख़ुद वहाँ पर 2 मरतबा खुद हाजिर हुआ हूँ और वहाँ की मैंने हालत को देखा है। अच्छा, तहरीक लब्बैक का एक पैसे हैं या माल है या राशन है, वो देने का अंदाज़ ही मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि वो लाइन लग जाती है, लोग लेते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा है 80% गैर मुस्तहक लोग होते हैं। तहरीक लब्बैक रोडों पर तकसीम नहीं करती, तहरीक लब्बैक की अल्हम्दुलिल्लाह हर मकाम पर उसकी तंजीमी बॉडी मौजूद है वहाँ के लोग, और उनकी मुशावरत से फिर हम लेकर जाते हैं। उसके बाद छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं, लोडर रक्शे हैं और सुजुकियाँ हैं, उनमें डालकर हम मुतासर आदमी के घर तक पहुँचते हैं, उसके घर में इमदाद देकर आते हैं। खाना भी हम जो है ना एक मकाम पर तैयार करके उनके घरों में खाना भी, जहाँ खाने की ज़रूरत होती है खाना, जहाँ खुश्क राशन की ज़रूरत होती है खुश्क राशन। और उसके बाद हमने बलूचिस्तान में भी एक खैमा बस्ती लगाई कि जहाँ पर हमने गुरबा को, मसाकीन को और मुतासरीन को सुबह और शाम का खाना भी दिया। तो तहरीक लब्बैक एक मुनफरद अंदाज से कि मुस्तहिक को उसके घर में जाकर इज्जत के साथ, हमारे यहाँ ये नहीं है कि नोट दे रहे हैं तो ये तस्वीर आ रही, नहीं, हम लिफाफों में बंद करके एक इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए। आपने देखा होगा कि हम बाज़ औक़ात हमने और ये देखने भी किसी को नहीं दिया कि हम हाथ में दे रहे हैं, हम उसने जेब में छुप कर हम उसको दिया ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रहे और उसकी मदद भी हो जाए, जो इस्लाम ने हमें दर्स दिया है। आखिर में लामा साहब, कराची वालों से क्या अपील है और किस तरीके से वो अगर आपके पास आना चाहें अपने सामान लेके, तो उनमें किस तरह की चीज़ें से वो मदद कर सकते हैं, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कराची वालों से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार आप अगर सुबह नाश्ता करें तो एक लम्हे के लिए सोच लिया होगा, सोच लेना कि कहीं मेरा सैलाब से मुतासर भाई उसने नाश्ता किया या नहीं किया। ज़ोर का खाना खाएं तो सोचना कि कहीं मेरा भाई भूखा तो नहीं बैठा। शाम का खाना खाएं तो सोचे मेरा भाई भूखा तो नहीं बैठा। और अगर आपका दिल ये गवाही दे कि हाँ वाकया कहीं कोई भूखा बैठा है, तो फिर उठें तहरीक लब्बैक, क्योंकि हर बंदा खुद पहुंच नहीं सकता। तहरीक लब्बैक ने आपको मौके फराहम किए हैं। 3 तलवार पर हमारा कैंप मौजूद है, खारादर में हमारा कैंप मौजूद है, अच्छा उसके अलावा पूरे कराची में, सदर में हमारा कैंप मौजूद है, हर PS में तहरीक लब्बैक का कैंप मौजूद है। उसके अलावा मरकज़ से हमारे जो है वो टेलीफोन नंबर मरकज़ से चल रहे हैं, आप उन पर रब्ता करें। जिस ज़िले के आप होंगे, जिस PS के आप होंगे, वहाँ उस PS ज़िम्मेदार का आपको आपका नंबर उसको दे दिया जाएगा, वो आपसे रब्ता करके आपके घर से राशन उठाना हुआ वो उठा लेंगे। आप यहाँ आना चाहें, आप वेलकम, आप साथ दें, आप साथ दें कि क़यामत के दिन कम अज़ कम हम इतने सुरखरू हो जाएँ कि मौला तेरी उम्मत परेशान थी, हमने उसका एहसास किया है। मेरे करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमूना कराजुलिन वाहिदिन, फरमाया तमाम मुसलमान ऐसे हैं जैसे एक आदमी, अगर उसकी आंख दुखती है तो पूरा जिस्म उसका एहसास करता है, अगर सर दुखता है तो पूरा जिस्म एहसास करता है। मैं एज ए मुस्लिम अगर मैं खुद खाऊँ और मुझे सिंध के भूखों का एहसास ना हो, तो मैं ये गौर करूँ कि मेरी ईमान में कहीं कमी है, मेरे इस्लामी मामलात में कहीं कमी है। लेकिन अगर खाना खाते हुए मैं निवाला उठाऊं और मेरी आंखों में आंसू आ जाएं और गरीब और भूखे याद आ जाएं, तो समझ लें कि मेरा ईमान मजबूत है। अब उठें, उन गरीबों की मदद करें, सैलाब जदगान की मदद करें, उनकी इमदाद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको दुनिया आखरत में इज्जतों से भी नवाजेगा। और रब ने भी यही फरमाया, वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उदवान। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आपके तवस्सुल से जिन अहबाब ने मेरी बात सुनी है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसे ही उनके कानों तक ये मेरी बात पहुँचेगी, वो आएँगे और अपने इन गरीब, अपने इन मुतासरीन की इमदाद को ज़रूर पहुँचेंगे। अल्लाह आपको बरकत दे। दारे खत्म नबुवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारे खत्म नबुवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह।